हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन आदि मानव हजारों साल पुराने हैं। दोस्तों, आदि मानव की प्रजाति बंदर से आई है। जब आदि मानव हुआ करते थे, तब चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करता था। आदि मानव का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। जंगलों के जानवरों की तरह आदि मानव भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। आदि मानव जानवरों से डरते थे। उनका डरना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था जिससे कि वे अपनी सुरक्षा कर सकें। दोस्तों, हर आदि मानव अपने भोजन के लिए दिन भर जंगल में इधर उधर भटकता था। वो फल फूल पौधे की जड़ खाकर अपना जीवन गुजर बसर करते थे। दोस्तों, अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनके कच्चे मांस को भी वो खाते थे। लेकिन खतरनाक जानवरों से अपनी जान बचाना भी एक मुश्किल भरा काम था। दिन में वो आसानी से अपनी रक्षा कर लेते थे और रात में अपनी रक्षा के लिए गुफा या फिर पेड़ों पर सोते थे। जानवरों को मारने जड़ों की खुदाई के लिए केवल हाथ ही काफी नहीं थे। ऐसे कार्यों के लिए आदि मानव लकड़ी के पत्थरों की सहायता से उन्हें नुकीले करके जानवरों का शिकार किया करते थे। मजबूत चमड़ी वाले जानवर और लकड़ी को काटने के लिए आदि मानव नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं पत्थरों और लकड़ी की सहायता से आदि मानव हथियार बनाने लगे। आदि मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई, जो कि आदि मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही धीरे धीरे वो पत्थरों की सहायता से बहुत सारे औजार बनाने लगे। इस समय की सभ्यता आदि मानव का पाषाण काल कहलाया। आदि मानव अधिकतर जंगलों में आग लगा देते थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। आग को आदि मानव सबसे खतरनाक जानवर समझता था, क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर, चाहे वो शेर हो या हाथी, वो सब डरते थे। एक बार आदि मानव ने ये गौर किया कि आग पानी के संपर्क में आते नष्ट हो जाती है। फिर आदि मानव आग से बचने के लिए नहरों और तालाब की तरफ भागते थे। पत्थर से पत्थर टकराकर आदि मानव ने आग को जलाना भी सीख लिया। आग आदि मानव के लिए बड़ी खोज थी, क्योंकि आग से रात के अंधेरे में उजाला मिलता था। आग से जानवरों को डरा भी सकते थे और मांस को भूनकर खा भी सकते थे, और ठंड में आग उनके शरीर को गर्म भी रखती थी। आदि मानव पशुओं की तरह बिना कपड़ों के रहते थे। समय के साथ आदि मानव अपने शरीर को पत्तियों से ढकने लगे। आगे चलकर आदि मानव जानवरों की खाल से भी अपने शरीर को ढकने लगे। जानवरों की हड्डियों और दांत से आदि मानव हथियार बनाते थे, साथ ही साथ उनका आभूषण बनाकर पहनते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन बराबर मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।